जब आप 18 साल के होते हो एंड आप दुनिया से बहुत डरते हो, you know, really? आप मुझे तो लगता है कि आजकल की यूथ बड़ी बहादुर होती है, बड़ा फेस करती है चीजों को. नहीं, उन्होंने भी देख देख के डर लगता है, to be very honest. क्यों? जो हाल हुआ है आजकल. तो आप किस चीज से डर रही थी 18 पे? क्या फियर थे? वही जो होते हैं, जो आपके बेसिकली, तो ये होता है ना कि आपके माँ बाप के फेयर्स आपके रिफ्लेक्शन बन जाते हैं. तो आई वेंट टू KGS, वहाँ एवरीथिंग वाज वेरी कम्पिटिटिव. मैं ए स्टूडेंट थी लेकिन ए प्लस स्टूडेंट नहीं थी. तो बीइंग एन ए स्टूडेंट एट KGS इज लाइक बीइंग अ सी स्टूडेंट एनीवेयर एल्स. तो आपको अपना आप बहुत शदीद एवरेज फील होता है. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा लाइक आई फील लाइक मुझे उनसे दे यूज टू फेयर के कहीं, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं आर्ट्स की तरफ बहुत इंक्लाइंड थी. आई वॉज अ पेंटर, आई वॉज अ राइटर, आई वॉज अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, एन एक्टर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स सिंस हाई स्कूल. और उन्हें खौफ था कि ये वहाँ उस तरफ चली ना जाए, एंड इफ शी कॉन्ट मेक इट देयर. आई फील लाइक हमारे पेरेंट्स पहले लोग होते हैं जो हमारे लाइक हम में बिलीव नहीं करते, जो हमें क्वेश्चन करते हैं, हमें डाउट करते हैं. तुम एक्टिंग करोगी? अच्छा, एक्टिंग करेगी, ठीक है. बिजनेस फैमिली में डॉक्टर्स, लॉयर्स, तुम्हारे कजन्स येल जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, मिगिल जाओगी. लाइक दैट्स हाउ इट वाज. ओह गॉड, ओके. या सो फॉर मी आई वाज लाइक आई गॉट इनटू मिगिल, दे वर लाइक रियली गॉट इनटू मिगिल. आई वाज लाइक मुझे समझ नहीं आई मैं क्या, जब बिकॉज मेरे लिए तो मेरा हो जाता तो मैं तो बड़ा तनी कहाँ आसमान पे होती, यू नो, साथ में आसमान पे. या बट आई फील लाइक आई वेस्टेड माय टाइम. मुझे नहीं जाना चाहिए था. मुझे माय ड्रीम वाज एक्चुअली टू गो टू जूलियार्ड. ओके. लेकिन मुझे तो एप्लीकेशन की भी इजाजत नहीं थी वहाँ. सो बट यू नो आई रियली थिंक कि जो भी आपके साथ जिंदगी में होता है, इट लीड्स यू एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू बी. एग्जैक्टली. हां, उस वक्त समझ नहीं आती है हमें, उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ. लेकिन देन जब आप वापस मुड़ के, जब मैं मुड़ती हूँ पीछे, आई एम 24 नाउ एंड 6 इयर्स अगो, सो फार अवे व्हेन आई वाज 18, मैं सोचती हूँ मैं कितनी गुम थी. लाइक आई वाज सो लॉस्ट. मुझे पता नहीं था कि जिंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी. मुझे बहुत डर लगता था. आई जस्ट रियली वांटेड टू मेक श्योर दैट मैं कुछ छोड़ के जाऊँ इस दुनिया में. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. यू नो, बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर लॉन्ग टाइम. हम कुछ अरसे बाद चले जाएंगे इस दुनिया से. लेकिन एवरीवन वांट, आई फील लाइक मोस्ट पीपल वांट के वो ऐसी कोई चीज़ छोड़ के जाएं पीछे जिसके साथ लाइक लोग आइडेंटिफाई कर सकें. लोग बोल, यार ये बंदी थी, एंड शी फेल्ट व्हाट वी फील. तो कुछ अभी आइडिया है क्या होगा ऐसा? क्या करना चाहती हैं आप? किस डायरेक्शन में? इस तरह एक्टिंग ही होगी या कुछ और होगा? I'm actually working on a project very close to my heart. Okay. So I've written the screenplay for that. Okay. And wow. Yeah. Okay. And so inshallah we're going to roll cameras in April. Mashallah, mashallah. And so I think that's what I want to do, go into telling stories and being a part of them. I think वो सबसे ज़्यादा impactful होता है. सही कहानी सही तरीके से सुनाई जाए तो mindsets change हो जाते हैं. I hope हम सही तरीके से execute कर सकें. Inshallah, inshallah. We wish you all the best and we are looking forward कि क्या होगा, क्या होगा. अच्छा, school में bullying होता था, होती थी. कैसे deal करती थी उस वक्त? क्या घर में कभी आके नहीं बताया? रोती थी रोज घर आके. Okay. मैं रोती थी ना, और आस पास मदर थी, मामा ये सारी लड़कियाँ इतनी पतली हैं, इतनी प्यारी हैं, लेकिन मेरे लिए जो मेरे क्लास फेलोज थे उन्होंने एसोसिएट कर दिया था ओवरवेट विद अगली. आई थिंक आई स्टिल स्ट्रगल विद दैट बिकॉज ऑफ द पीपल हु इन सिक्स ग्रेड. और मेरे जो क्लासमेट्स थे, आई होप दे आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, बिकॉज वो सारे ही मैसेज कर रहे होते हैं लाइक माशा यू आर डूइंग सो वेल. आई एम लाइक रियली रियली. Exactly. So these things they stay with you. तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी को ऐसी चीज़ों पर कभी ना बोलूँ. लाइक लोगों को मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ करे, सब बोलते हैं आपका वो दाना उग रहा है. जी, आईना नहीं है. Okay. Like I've seen so many people and there's actors who are in front of me who are struggling with acne. उनको पता है आप मत बोले. बोले हाँ मोटे हो के आ गए, मोटी हो के आ गए. And I'm just like, no, I think they look great. You've lost weight actually. Because I know that there's someone who struggles with weight loss. So you push them in that direction and you try to help them. क्योंकि वो already face कर रहे होते हैं चीज़ें ना, किसी ना किसी वजह से आप उसके ऊपर और add कर देते हैं pressure. बस लोग, and पता है जो लोग ये चीज़ें करते हैं, I feel like वो खुद they don't look great. जो बच्चे अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उनको
कोई मैकेनिज्म जो आपने यूज किया हो सर्वाइवल का, आप उसको कुछ एडवाइस कर सकती हैं? मुंह पे थप्पड़ मार दें दूसरे के, आई स्वेयर. हमें लगता है उस वक्त कि हेडमिस्ट्रेस हमें स्कूल से निकाल देंगे, वो नहीं निकालेंगे. डू इट, पिक द फाइट, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ इट्स नॉट वर्थ इट. द बुलीज नीड टू स्टॉप. तो करना ही है ना, क्यों किसी की जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए जाएं? नो, बुलीइंग इज द वर्स्ट, इज इट्स द वर्स्ट. एंड पता है जो बुलीज होते हैं ना, वो बचपन में भी बुलीज होते हैं, फिर वो बड़े होके भी बुलीज रहते हैं. और कभी कभी मुझे लगता है उनको अगर स्टॉप कर दें तो वो बुलिंग खत्म कर देते हैं. दे कीप बुलिंग बिकॉज आप उनको रोकते नहीं हैं. बट आपने ऐसा कुछ स्टेप नहीं किया था, राइट? नहीं, बिकॉज आपका अपना एक जर्नी था. बिकॉज मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों अपने तरीके में बहुत बहुत इनसिक्योर थे. एंड तो हम बस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. मेरी अम्मी ने काफ़ी देर बाद जाके टीचर से बात की, हेडमिस्ट्रेस से. लेकिन मैं आपको बताऊं, चिल्ड्रन आर क्रूल. बच्चे जालिम होते हैं, एंड स्पेशली बॉयज. लड़कियां तो ठीक है, थोड़े से नखरे दिखा के हो छोटी पन के वहाँ जाके अपनी किटी पार्टी वाली मम्मीज को बोलेंगी ना कि मार्शल को नहीं बुलाना बर्थडे पार्टी पे. ये भी होता था. Yeah, but I, to be very honest, I never really wanted to go in those clicky crowds. Abhi, I just not interested. Okay. इसी point से connected, माशाल्लाह से आपने बहुत कुछ किया हुआ है. Rowing, right? Wow, someone did the research. Arms, firearms. Yes. Riding. Yeah. What else? Painting and drawing भी करती हैं आप? I do Islamic calligraphy as well. Exactly. Yeah. तो ये इतनी चीज़ें जो आप कर रही हैं और हर चीज़ में एक्सेल कर रही हैं, किसी चीज़ में आप एवरेज नहीं थी. यू वर ओलंपिक्स के लिए आप टीम को, यू गोना मेक इट अप फॉर द जूनियर ओलंपिक्स. जूनियर ओलंपिक्स विच इज जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो ये इतनी जो एक्टिविटीज़ में देख रही हूँ, तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, क्या ये एक रिएक्शन था जो आपने बचपन में फेस कर रही थी आप, कि अब मैं करके बताऊंगी तुम लोगों को कि मैं क्या कर सकती हूँ जो तुम लोग मुझे जज करो? ये कुछ प्रोसेस ऐसा चल रहा था? नहीं, आई थिंक एक्चुअली मैं बस एक, बिकॉज मेरे पास ना दोस्त थे जिनके साथ मैं रोज आके हैंग आउट करती थी, तो मेरे अंदर बहुत कुछ था जो मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी, और वो अभी तक है. वो तकलीफें, वो कहानियाँ, वो एक्सपीरियंसेस, एंड ये सारे जरिए थे ऑफ एक्सप्रेशन. एंड आई हैव ऑलवेज, आई थिंक मुझे बात करते हुए हमेशा मुश्किल लगता है थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है जिसे अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हुए. तो मेरा ये तरीका कि मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू करूँगी, मैं किसी स्क्रीन प्ले पे काम करना शुरू करूँगी. अगर मुझे रियली बात नहीं करनी उस टॉपिक के बारे में, आई स्टार्ट पेंटिंग इट आउट. तो इट्स ऑल जस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन टू गेट इट आउट. ये चूज़ कैसे किया कि मैं फायर आर्म्स? तो आई थिंक आपने जब यू वर स्टडीइंग अब्रॉड तब किया होगा. तो ख्याल कैसे आया फिर? रैंडमली पता, दोस्त बात कर रहे होते हैं. टेल मी, मुझे बताइए जो सारे आपके शौक हैं, इनको कैसे आपने चूज किया कि मुझे ये करना? कोई स्टोरी है, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट हुआ दैट पुश्ड यू कि मैं ये वाला करूं, यू नो, राइडिंग या कैलीग्राफी या रोइंग? किस तरह चूज किया? ये ऑटोमेटिकली होता गया? सो इट वॉज वेरी, मेरी जिंदगी हमेशा बहुत फ्लोई रही है. इट्स जस्ट टेकन मी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. So my mother was a painter. She studied in Indus Valley and she was a fine arts student. She was a brilliant painter. Okay. And so my artistic inclination to wahi se aata hai ki bachpan se mama ko haseen paintings banate hue dekha, mujhe bhi ye karna hai. You know, apne parents ko dekhte hue like, I want to do that. This is what I want to do in life. So that's where that came from. And phir writing to was an expression, kyunki jab hum लैंग्वेज सीखते हैं तो वो कुछ बच्चों के ना बेहतर मार्क्स आते हैं इन राइटिंग एंड व्हेन यू डू स्टोरी टेलिंग एंड यू लर्निंग दैट. तो आई वाज वन ऑफ दोज किड्स. तो फिर आप उसी तरफ चले जाते हो. रोइंग ये हुआ था कि आठवीं जमात में हमारे हाउसेज हैं KGS में, आई वाज इन नेपियर. सो द रोइंग टीम केम एंड दे सेड वी रिक्रूटिंग फॉर द टीम्स. आई टोल्ड माई मदर, और मैंने सोचा था कि वेट लूज कर लूँगी. एंड तो मैंने तो उसी इंटेंशन से किया था कि आई लूज वेट, बिकॉज वो मुझे वेट से बहुत शदीद मसला रहता था. नो वन वांटेड टू कम नियर मी इन स्कूल. एंड सो आई वेंट टू अ ड्रॉइंग थ्रू दैट. फिर हॉर्स राइडिंग तो बचपन में ही हमने डाल दिया था. शी वॉज लाइक गो डू समथिंग, शी वॉज वेरी एक्टिव. शी वॉज लाइक ये भी कर लो. फायर आर्म्स का तो बचपन से शौक था. तो वो मौका मिल गया वहाँ जाके. वहाँ जाके हम लाइक गाइस वांट टू गो शूटिंग. लेट्स गो. गो शूट सम शिट. बट फील कैसा होता है? हाउ डज इट फील? इट्स वेरी हैवी बट यू गेट यूज्ड टू इट. यू गेट यूज्ड. या बिकॉज़ एक्चुअली मेरी फैमिली में सैडली हंटिंग का रिवाज था.
आई एम वेरी अगेंस्ट हंटिंग, आई एम अ वीगन. तो मुझे गन पकड़ना बचपन में मेरे कजिन्स ने सिखा दिया था. तो बाय द वे अब मैं देखती हूँ थोड़ा गलत था, गलत ही सिखाया था उन्होंने. तो फिर आई अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल अ गन एंड मेरा एम बहुत अच्छा था शुरू से. तो फिर मज़ा भी आता है जब आप सही सही लाइक